सबसे फास्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रही हंसती खेलती दीपा शर्मा आज इस दुनिया में नहीं है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली दीपा शर्मा को प्रकृति से बेहद लगाव था और अक्सर वो सोलो ट्रिप पर घूमने जाया करती थी और इस बार भी वो अकेले हिमाचल के किन्नौर गई थी। लगातार वो सोशल मीडिया पर अपनी इस यात्रा को लेकर अपडेट दे रही थी, लेकिन ये किसी को अंदाजा ना था कि ये उनका अंतिम सफर होगा। किन्नौर में हुई भीषण लैंडस्लाइड में डॉक्टर दीपा शर्मा ने अपनी जान गंवा दी। रविवार को जब किन्नौर में लैंडस्लाइड हुई, उससे कुछ वक्त पहले ही दीपा शर्मा ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की थी। उन्होंने लिखा था, वो इस वक्त भारत के आखिरी पॉइंट पर खड़ी हैं, जहां तक सिविलियंस को जाने की इजाजत है। इसके 80 किलोमीटर आगे तिब्बत है, जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन आखिरी छोर पर खड़ी दीपा को क्या पता था, अगले ही पल मौत पहाड़ से होकर उसकी ओर आ रही है। किन्नौर के हादसे में दीपा शर्मा समेत 9 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। दीपा अक्सर कहा करती थी कि प्रकृति के बगैर जीवन कुछ नहीं है, और शायद नियति को भी यही मंजूर था कि उन्होंने प्रकृति की गोद में अंतिम सांसें ली। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली दीपा प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ चुकी थी और इस दौरान उन्होंने 6,50,000 रुपए भी जीते थे। एक दिन पहले ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत वीडियो अपने अकाउंट पर साझा किया था।